मेरा नाम है वैशाली पाल। मीडिया प्लस के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। इसके तहत बिंदुरा फाउंडेशन के तत्वधान में डोंबिवली पूर्व के दावड़ी रोड स्थित आरटीपी विद्यालय के छात्रों को स्वरक्षा का ट्रेनिंग दिया गया। भाजपा भटके विमुक्त प्रजाति प्रदेश सरचिटनिस शिवाजी आव्हाड की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम के आयोजक बिंदुरा फाउंडेशन के अध्यक्षा एडवोकेट बिंदु दुबे, स्थानिक नगर सेवक जालंधर पाटिल, विद्यालय के प्राचार्य अरविंद तिवारी, भाजपा कल्याण जिला उत्तर भारतीय गारी प्रमुख आईपी मिश्रा, रवि सिंह ठाकुर शुक्ला साथ बड़ी संख्या में अभिभावक भी उपस्थित थे। नमस्कार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में लड़कियां असुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, जिसे हम पूरे समाज में इसको सक्रिय करना चाहिए। और बच्चियों की सुरक्षा के लिए ये जो हमारे विद्यालय में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये होनी चाहिए। इससे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। ये पूरे भारत देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अभियान चल रहा है, सच में ये काबिले तारीफ है, सराहनीय है। इससे हमारे भारत देश की सभी बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। धन्यवाद। आज पूरे देश में अमृत महोत्सव का गूंज है। पूरे देश में अमृत महोत्सव के लिए लोग तत्पर हैं। इसके लिए आरटीपी विद्यालय द्वारा 13, 14, 15 को अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 तारीख को हम विद्यालय के द्वारा वृक्ष दिंडी, 14 तारीख को हम रैली हर घर तिरंगा व 15 तारीख को झंडा फहरा करके विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा हम समापन करेंगे। धन्यवाद। ये थी आज के कुछ बुलेटिन की ताजा खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।